अस्सलाम वालेकुम यार, आजकल टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है मिनी एयर कूलर का। हमने देखा, हम भी हैरान हुए कि यार इसमें से इस तरह की कूलिंग निकल रही है कि मतलब देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें, तो हमने भी मंगवा लिया। फिर ये आ चुका है हमारा पार्सल, जिसकी कीमत है टोटल 3500 रुपये। शायद वीडियो में ना आ रहा हो, लेकिन तो खोल के देखते हैं इसमें क्या है और क्या है। सबसे पहले इसका बॉक्स रिव्यू करते हैं। बॉक्स इसका ऑलरेडी खुला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर है फाइन मेस्ट टर्बाइन हॉरिकेन वाटर टैंक नॉइज रिडक्शन। दूसरा, इसकी जो पावर है वो है 5 वॉल्ट 2 एम्पियर। पावर है इसकी 10 वॉल्ट, यानी कि आप नॉर्मल इसको किसी भी चार्जर के थ्रू चला सकते हैं। और इसका इंटरफेस टाइप है USB टाइप सी है। बाकी पैकिंग कुछ खास नहीं है, बस हल्की फुल्की है। इसको खोल के देखते हैं। ये ब्लैक कलर में आया है हमारे पास। अच्छा, ये बस एक इसको कैरी करने के लिए है। और ये आई थिंक इसका टैंक। अच्छा, तो ये इसके अंदर कोई इसकी मैनुअल चिट वगैरह है। और ये है एक्चुअली मूवेबल है, सही है। अच्छी एक चीज़ इसके अंदर जो वीडियोस के अंदर दिखाई जाती है वो ये कि इसके जो बटन हैं वो कोई ख़ास क्वालिटी टाइप नहीं है। इसके जो बटन हैं वो लोकल, और लग भी असर आया कि ये लोकल मेड है। ये कवर है इसका। बाकी इसके साथ इसमें है टाइप सी है भाई इसके अंदर। और इसके अंदर डब्बे में क्या क्या है, और डब्बे में कुछ भी नहीं है। इवन कि इसकी केबल भी नहीं निकली है भाई। केबल वगैरह तो कुछ, तो चार्जर वगैरह तो देखे नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चले इसको चला के देखते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर, और आइस क्यूब भी कुछ डाल दिए हैं। इसका कवर बंद कर देते हैं, और हमने इसकी केबल भी लगा दी है, चार्जर भी लगा दिया है। अब इसके अंदर आपको, शायद मैं इसको टेढ़ा करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसका एक फ़ैन का बटन दिया हुआ है यहाँ पर। फ़ैन मैंने इसका ऑन किया है, लेकिन इसका फ़ैन नहीं चल रहा। ले भाई, ये हमने मंगवा तो लिया है, मसला ये कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा। ये इनकी क्वालिटी है। बाकी इसका वो काम कर रहे हैं, प्रेशर वगैरह इसका काम कर रहा है, लेकिन फ़ैन इसका जो है वो नहीं चल रहा। 1, 2 और ये 3, इसकी 3 स्पीड हैं टोटल जो मैंने वीडियोस में देखी थी। मैंने इसका 3 दफ़ा बटन दबा दिया, लेकिन इसका फ़ैन जो है वो काम नहीं कर रहा। दूसरा ये कि इसके अंदर से पानी भी लीक हो रहा है। पानी शायद आप लोगों को ये दिख रहा हो, ये पानी भी लीक हो रहा है इसके अंदर से। मैं इसका क्या करूँ, मेरे तो 3500 रुपये ज़ाया हो गए। अच्छा, तो भाई इसका मैंने जो है कैमरा एंगल चेंज कर लिया है। फ़ैन हमारा चल गया था, मैं इसको दोबारा से चलाने लगा हूँ। तो ये इसकी स्पीड 1 है, स्पीड 3, और ये इसका फ़ैन दोबारा से नहीं चल रहा। अब ये 1 पर आ गया। ये 5 इसके जो है काम कर रहे हैं, लेकिन फ़ैन इसका जो है वो नहीं चल रहा। अच्छा, ये इसकी लाइट का बटन था जिसकी मैंने आप लोगों से बात की थी अभी। ये लाइट इसके अंदर नॉर्मल सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फ़ैन इसका जो है फिर बंद हो गया। पंप इसके सारे काम कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी में जो एड में दिखा रहा था कि यार किस तरह इसके अंदर से धुआं निकलता है, ये वो चीज़ तो थी, लेकिन ये इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। अब मुझे बताएं मैं इसका क्या करूं। फ़ैन अभी थोड़ा सा घुमा था, इसका मैनुअली फ़ैन चला के देखते हैं। मैनुअली मैंने इसका फ़ैन चलाया और वो फ़ैन इसका चल गया। अच्छा, तो ये इसकी स्पीड 1 है, ये इसकी स्पीड 2 है, इसकी हवा कुछ ख़ास नहीं है।
मतलब इसकी सिर्फ ये मतलब कितना थोड़ा सा सफ़र होगा, इतना सा बस, यहाँ तक इसकी हवा सही आ रही है, इससे आगे इसकी जो है हवा फैन की नहीं आ रही। ये बंद हो गया, ये इसका टू हो गया। अच्छा, इसकी वन टू करके स्पीड जो है वो तेज़ हो रही है, और ये इसका थ्री हो गया। ये क्वालिटी इन्होंने जो दिखा रहे हैं कि भाई इसकी फ़ैन जो है स्पीड वो बहुत तेज़ है, इसकी एयर ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ तक, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो सिर्फ यहाँ तक हवा आ रही है, यहाँ उससे पीछे हवा नहीं आ रही। बाकी कूलिंग वगैरह का तो पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, फैन इसका चल गया है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी ये बटन किस चीज़ का है ये? अच्छा, इसके पंप जो हैं, पांच पंप लगे हैं, पांच पंप में से ये फर्स्ट वाला चल रहा है एक दफ़ा दबाने पे, दूसरी दफ़ा दबाने पे फर्स्ट और सेंटर वाला, उसके बाद सबसे राइट कॉर्नर वाला, यानी तीन चल रहा है। और अब ये जो तीसरी दफ़ा दबाने पर जो है इसके पाँचों पंप चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और ये बटन है, ये लाइट का है शायद, हाँ ये लाइट का बटन है, इससे लाइट का शेड चेंज हो रहा है। ये लाइट इसकी बंद हो गई, ये वाइट है, ये पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर बंद हो गई। इसमें टोटल 5 से 6 कलर हैं लाइट के, इससे ज़्यादा कलर नहीं है। और ये इसका शायद टाइमर का बटन है, लास्ट वाला जो है, बिल्कुल ये टाइमर का बटन है। इसका टाइमर अभी मैंने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है सिंगल पर्सन के लिए भी। अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे कोई काम कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ साइड में रख कर चलाया है, तो शायद ये मुझे कोई थोड़ा बहुत हवा देगा, लेकिन कोई वो चीज़ नहीं है जो हमने अपने माइंड में रखी हुई थी कि यार ये थोड़ा बहुत कोई ठंडा कर देगा, पंखा मतलब पंखा चलाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। पंखा आपको फिर भी चलाना पड़ेगा। बाकी 3,500 रुपये में ये बिल्कुल भी बारे में नहीं है, बेकार चीज़ है, जस्ट खूबसूरती और एक तरह का शोपीस है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरा मशवरा ये है कि ना मंगवाएं तो बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।